जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चैतन्य स्टडी में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए। बिहार बोर्ड के जो 10th और 12th के रिजल्ट है वो आने वाले हैं। आपको रिजल्ट कैसे देखना है ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट और पता कर सकते हैं आपने कितने नंबर प्राप्त किए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो भैया देखो, ये न्यूज़ आई है आज, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आज 12:30 बजे। तो आज आपको 12:30 बजे आपका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा और आप इसे देख सकते हैं। बिहार बोर्ड की चलिए इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 का परीक्षा फल मंगलवार दोपहर 12:30 को घोषित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि परीक्षार्थी रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट ऑनलाइन BSEB.in और बिहार बोर्ड online.com पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा परीक्षार्थी की वेबसाइट अखबार हिंदुस्तान की वेबसाइट www.livehindustan.com/result पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आपके लिए तीन वेबसाइट हैं, ये ऊपर वाली दो और तीसरी वाली हिंदुस्तान वाली, इस पर जाकर आप अपनी जो रिजल्ट है देख सकते हैं, ठीक है। 85% से अधिक उत्तीर्णता की संभावना। तो देखिए, बिहार बोर्ड में क्या है कि 85% हैं वो व्यक्ति उत्तीर्ण हो सकते हैं, परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो सकते हैं। मतलब 100 में से 85 क्या होंगे, आपके पास होंगे और बाकी बचे हुए क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार इस बार रिजल्ट 85% से अधिक होगा, मतलब 85 से ऊपर जाने की संभावना है। पिछली बार 80.73% रिजल्ट रहा था। इस बार रिजल्ट में छात्रों को 20% अतिरिक्त विकल्प प्रश्न का फायदा होगा, मतलब इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके रिजल्ट का पास प्रतिशत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैट्रिक 2020 में पहली बार सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 20% अतिरिक्त विकल्प दिए थे, ये आपका हुआ था, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गई है, इसमें देरी हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका जो मूल्यांकन था वो हो नहीं पाया था, इस कारण इस रिजल्ट में देरी हो गई है, ठीक है। तो अब आपको रिजल्ट कैसे देखना है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं, बाकी फर्जी वेबसाइट पर आपको टाइम वेस्ट करना हो सकता है। लेकिन इस पर आप जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। यहाँ पर बोर्ड परिणामों से संबंधित लिंक दिए होंगे, उन पर लिंक पर आप क्लिक करें, आपका पेज है वो खुल जाएगा, जिस पर आप अपनी डिटेल्स जैसे कि रोल नंबर भर सकते हैं। फिर भरने के बाद उस पर सबमिट का क्लिक करें, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये रिजल्ट है वो आपका घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से बिहार का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं और साथ साथ काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए हम एक ऑफिशियल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।